हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल पोसल एवन। आज की वीडियो में बात करेंगे मलेशिया टी20 मैच की। मैच जो कि पीके वॉल्व्स से सेंटीरैक स्पोर्ट्स के बीच में खेला जाएगा। तो सबसे पहले बात करता हूं प्लेइंग 11 की। पीके वॉल्व्स से दुमिंदा, सैजर नायर, एजेड, हमजाद अली, एमजेड रिन, हसनैन अहमद, अली जाबिद, फारूक सराज, अलमगर खान, एस रहमतुल्ला एंड सुल्तान मरोबर। आप ये प्लेइंग 11 देख सकते हैं जो कि पीए के वॉल्व्स की तरफ से प्लेइंग 11 है। बात करता हूँ एंटीरैक स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से प्लेइंग 11 की। मिजारो रहमान, एमएम रहमान, एमए मावन कैप्टन है एनआरएस के, एमडी आसिक अलोम, एमी रफी, एमएस जोशी, एमडी नाहिद अख्तर, एमडी सोहेल रामा, एमडी राइफुल इस्लाम, एमटी तोयन एंड जेडआर रुनान। आप ये प्लेइंग 11 देख सकते हो एनआरएस की तरफ से प्लेइंग 11 है। बात करता हूँ एनुएंट पिच रिपोर्ट की। आपको बता दूँ ये मैच जो कि 30 सितंबर मंडे को दोपहर 1:30 बजे से ये मैच जो कि सेल्गो तर्फ क्लब में खेला जाएगा। नई पिच रिपोर्ट की बात करूँ तो आपको बता दूँ पेसर्स को इस पिच पर ज्यादा एडवांटेज मिल सकता है। बात करूँ वेदर रिपोर्ट की, यहाँ का जो टेम्परेचर रहने वाला है अराउंड 29 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहने वाला है जिस दिन मैच होगा। एंड बात करूँ ड्रीम 11 प्रेडिक्शन की तो आपको बता दूँ जो कि एनआरएस गुड फॉर्म में इसके जितने चांसेस ज्यादा बनेंगे। टॉस प्रेडिक्शन की बात करूँ आज का टॉस कौन जीत सकता है अकॉर्डिंग टू द पोसल एवन एक्सपर्ट टॉस प्रेडिक्शन, आज का टॉस है जो कि एनआरएस टॉस जीत सकती है एंड पहले बॉलिंग करने का फैसला कर सकते हैं। मैच एक्सपर्ट वाइज की बात करूँ हसनैन अहमद को एज ए स्मॉल लीग में आप कैप्टन सेलेक्ट कर सकते हो एंड अहमद जुबैदी को एज ए कैप्टन अपनी ग्रैंड लीग टीम में ट्राई कर सकते हो। दोनों खिलाड़ी आपके लिए एज ए स्मॉल लीग एंड ग्रैंड लीग आपके लिए बेस्ट कैप्टन चॉइस रहेंगे। हेड टू हेड की बात करूँ कोई भी हेड टू हेड वाला नहीं खेला गया, लाइव टेली का स्टाफ फैन कोर्ट पर देख सकते हो। पॉइंट टेबल की बात करूँ आपको बता दूँ फिफ्थ नंबर पर जो कि पीके डब्ल्यू है जो कि एक मुकाबले से एक मुकाबला वन किया है। फैंटेसी डेक्स की बात करूँ तो टॉप ऑर्डर बैट आप जो भी करिए डेथ ओवर वाले बॉलर जो बॉलिंग कराए उनके लास्ट टाइम विकेट लेने के चांसेस ज्यादा बनेंगे। विकेट कीपर में दोनों सही हैं एंड पेसर्स को इस पिच पर ज्यादा एडवांटेज मिलने वाला है। बात करूँ विनिंग प्रेडिक्शन की तो आपको बता दूँ एनआरएस टीम ज्यादा मजबूत दिखाई पड़ रही है एज कम्पेयर टू पीकेडब्ल्यू टीम से। अपनी टीम में सबसे ज्यादा प्लेयर एनआरएस के आप पिक कर सकते हो एंड की प्लेयर्स जो कि पीकेडब्ल्यू की तरफ से हैं एजेड जुल्फी, एमजेड रिन, हसनैन अहमद, अली जावेद, अलगर खान। आप ये मुखलाड़ी देख सकते हो पीकेडब्ल्यू की तरफ से मुखलाड़ी रहे हैं। बात करूँ एनआरएस की तरफ से मुखलाड़ी की एम ए मामन, एम डी आसिक आलम, एम ई रफी, एम डी नाहिद अख्तर, एम टी तोइन। आप ये मुखलाड़ी देख सकते हो एनआरएस की तरफ से मुखलाड़ी रहे हैं। बात करूँ बेस्ट ऑल जो कि अभी तक पीकेडब्ल्यू की तरफ से रहे हैं दुमिंदा गायसरे, एजेड, अमजाद अली, एमजेड रेन एंड हसनैन अहमद। आप ये बेस्ट ऑल देख सकते हो जो कि पीकेडब्ल्यू की तरफ से बेस्ट ऑल रहे हैं। बात करूँ बेस्ट ऑल जो कि अभी तक एनआरएस की तरफ से रहे हैं मिजानुर रहमान, एम ए मामन, एम ई रफी, एम एस जोशी। आप ये बेस्ट ओवर देख सकते हो एनआरएस की तरफ से बेस्ट ओवर रहे हैं। बात करूँ कैप्टन और वाइस कैप्टन चॉइस की तो आपको बता दूँ एजेड जुल्फी को एज ए वाइस कैप्टन अपनी स्मॉल लीग टीम में जरूर ट्राई कर सकते हो एंड आप हसनैन अहमद को एज ए कैप्टन अपनी स्मॉल लीग टीम में जरूर ट्राई कर सकते हो। एम डी असिक आलम एज ए वाइस कैप्टन अपनी ग्रैंड लीग टीम में जरूर ट्राई कर सकते हो एंड एम डी नाहिद अख्तर को एज ए कैप्टन अपनी ग्रैंड लीग टीम में जरूर सेलेक्ट करिए, आपके लिए बेस्ट ओवर रहेंगे। इंजर्ड की बात करूँ कोई भी इंजर्ड प्लेयर नहीं आया एंड अपनी फैंटेसी टीम की बात करूँ तो आपको बता दूँ विकेट कीपर में आप एम रहमान को सिलेक्ट कर सकते हो, बैट्समैन में इजर जुल्फी, एस नायर, एम डी एमान को सिलेक्ट कर सकते हो और राउंडर में आप एच अहमद, ए जावेद, ए अली एंड एम एस जोशी को अपनी टीम में सिलेक्ट कर सकते हो। बॉलर में आप ए खान, एम डी आर इस्लाम, एम डी टी तो इनको सिलेक्ट कर सकते हो। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करूँ कैप्टन आप ए जावेद को बना सकते हो एंड वाइस कैप्टन आप एच अहमद को अपनी टीम में वाइस कैप्टन बना सकते हो। जो भी फाइनल अपडेट होगा फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर देखने के लिए मिल जाएगी तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आई प्लीज और पर एक लाइक एंड एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए एंड आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू गाइस।